नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूनिट संख्या 3 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम आज का जो अध्याय है आगम विश्लेषण रेवेन्यू एनालिसिस। रेवेन्यू एनालिसिस में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करें, पूर्ण प्रतियोगिता या अपूर्ण प्रतियोगिता का अधिकार में आगम, औसत आगम और सीमांत आगम वक्रों के मध्य क्या संबंध है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की आगम विश्लेषण के बारे में कि कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम क्या है। और कुल आगम में मैंने आपको जैसे बताया क्वांटिटी इनटू प्राइस, कुल आगम एवरेज रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू में क्वांटिटी का जब भाग दे देंगे तो वो अपना क्या आ जाएगा, AR। मार्जिनल रेवेन्यू में कुल आगम में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि ही सीमांत आगम कहलाती है, जैसा कि हमने एक डायग्राम्स के द्वारा, टेबल के द्वारा हमने अध्ययन किया। आज हम इसी क्रम में पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता, क्योंकि हम जब मार्केट का जब अध्ययन करेंगे तो हमें इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है कि एवरेज रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है। तो ये जब तक हमें नहीं समझ में आएंगे तो मार्केट का चैप्टर समझना बड़ा असंभव है। तो हमें पहले रेवेन्यू के बारे में हम चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में हम कॉस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें शॉर्ट टर्म कॉस्ट और लॉन्ग टर्म कॉस्ट के बारे में हम विस्तृत रूप से वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो हम पढ़ें आज पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। जैसा कि बाज़ार में मैंने आपको बताया, पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार वह बाज़ार है जिसमें अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता होते हैं, परंतु समान क्या होती है, प्रोडक्ट होता है और उसमें लगभग समान वस्तु होती है और प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, इक्वल प्राइस डिसाइड किया जाता है, वो क्या कहलाती है, पूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता को हम एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता भी कहते हैं, इसे हम परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, अपूर्ण प्रतियोगिता को हम कहते हैं, जिसमें क्रेता विक्रेताओं की संख्या अनेक होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, परंतु वस्तु में थोड़ा सा विभेद पाया जाता है, तो इसमें प्राइस में भी थोड़ा सा अंतर होता है, वो अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आती है। इसमें हम जो एवरेज रेवेन्यू है और मार्जिनल रेवेन्यू है उसकी क्या भूमिका है, उसके बारे में हम चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो हम सर्वप्रथम हम बात करें अपूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत औसत आगम वक्र में, तो हम एक टेबल के माध्यम से हम समझेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता में किस प्रकार से क्रियान्वयन किया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत व औसत आगम, पहले पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत एवं औसत आगम, पूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत एवं औसत आगम के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। हम बात करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, जैसे कि मान लें यहाँ पर उत्पादन की मात्रा है, क्वांटिटी वस्तु की मान लेते हैं, ये वस्तु की हमने क्वांटिटी ले ली, यहाँ पर औसत आगम हमें ज्ञात, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपना मूल्य आ गया जिसे हम प्राइस भी कहते हैं। प्राइस को मैंने आपको बताया, प्राइस को हम AR भी कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू भी कहते हैं, इसे अपन औसत आगम भी कह सकते हैं, इसे अपन क्या कह सकते हैं, औसत आगम। मैंने आपको बताया था पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार वह बाज़ार होता है जहाँ पर अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता होते हैं, परंतु वस्तु समरूप होती है और समान क्या होती है, प्राइस होती है। तो यहाँ पर प्राइस को हम इक्वल मान लेंगे, माना कि प्राइस वस्तु की समान है तो 10 रुपये समान मान लेते हैं, तो AR अपना मूल्य हो गया,
तो वो क्या हो गई, सामान 10-10 रुपये। अब हम बात करें टीआर की, टोटल रेवेन्यू किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो टोटल रेवेन्यू हम ज्ञात कर सकते हैं इसमें गुणा करके। तो आसानी से हम टोटल रेवेन्यू को ज्ञात किया जा सकता है क्वांटिटी में मूल्य आईआर को गुणा करके। ये अपनी टोटल रेवेन्यू होगी। मार्जिनल रेवेन्यू हमें निकालनी है, इसलिए हमें टोटल रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ी। तो मार्जिनल रेवेन्यू मैंने कुल आगम में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि को अपने क्या कहते हैं, यहाँ पर 10 का अंतर, यहाँ पर 10 का अंतर, इधर 10 का, कि कुल आगम में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि ही क्या कहलाती है, सीमांत आगम कहलाती है। तो यहाँ पर इक्वल देखा जाए तो सब में क्या है, 10-10 का अंतर है। तो इसका हम डायग्राम बनाएं कि पूर्ण प्रतियोगिता में AR और MR वक्र किस प्रकार से बनेंगे। ये क्वांटिटी AR और MR, क्वांटिटी 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये अपनी क्वांटिटी होगी, ये अपनी प्राइस होगी। 10-10 का अंतर ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो यहाँ पर हमारा जब कर्व बनेगा, तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हमने बताया AR और MR वक्र क्या है, इक्वल है। देखो यहाँ पर, तो हम मान लेते हैं 10 की क्वांटिटी, हाँ, तो AR और MR क्या होगी, यहाँ पर बराबर होगी, AR बराबर MR। ये पूर्ण प्रतियोगिता की अपनी स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर AR MR बराबर क्यों, देखो क्वांटिटी एक है, जब क्वांटिटी एक है प्राइस भी यहाँ पर 10 है, MR भी 10 है, क्वांटिटी दो है तो प्राइस भी 10 है और MR भी 10 है। तो इस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत AR MR वक्र क्या होगा, बराबर होगा। तो वो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति अपने सामने हो जाएगी। तो ये अपनी यहाँ पर प्राइस की स्थिति हो गई कि 10 रुपये मूल्य के पर। तो इस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हम बात करें औसत व सीमांत आगम की, तो इसकी विश्लेषण की हम बात करें तो वो इस प्रकार से हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम वक्र, जैसा कि ओ अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होती है और तथा सीमांत आगम भी इसी के अनुरूप ही होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में सभी फर्में समरूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती हैं तथा फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है। तो वस्तुओं का बाजार मूल्य में वस्तु की मांग तथा कुल पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। तो इस प्रकार इस निर्धारण मूल्य पर प्रत्येक फर्म जितना चाहे मात्रा वस्तु को वस्तु की बेच सकती है, जैसा कि रेखा चित्र में बताया गया है। तो इस प्रकार से ये डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा। तो यहाँ पर मांग व पूर्ति पर क्या होगी, बराबर होगी। ये डिमांड होगी, ये अपनी सप्लाई। तो जिस कर्व पे हमें, जिस पे समानांतर रेखा जे आर वक्र वाड़ी, तो डिमांड सप्लाई यहाँ पर क्या हुई, इक्वल हुई। तो इस प्रकार से सीमांत आगम वक्र, औसत आगम वक्रों के माध्यम से हमने चर्चा की। तो अब हम बात करेंगे एकाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता में औसत व सीमांत आगम के मध्य क्या संबंध है। अगला हम अध्ययन करने जा रहे हैं अपूर्ण प्रतियोगिता के या एकाधिकार के अंतर्गत है, एकाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत औसत एवं सीमांत आगम का संबंध है, किस प्रकार का संबंध है। तो हम चर्चा करें अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। तो मैंने आपको बताया, जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता में यहाँ पर सर्वप्रथम हम क्या लेंगे, वस्तु की इकाइयाँ,
या उत्पादन की इकाइयां, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ कितनी भी ले सकते हैं, सिक्स तक ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे वस्तु की इकाइयां। आगे हम बात करें या उत्पादन की इकाइयां, आगे हम बात करें औसत आगम और सीमांत आगम की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण पूर्ण प्रतियोगिता में प्राइस क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हम यहाँ पर प्राइस को AR कहते हैं, तो प्राइस हम डिफरेंट प्राइस लिखेंगे तो तभी हम निर्धारण कर पाएंगे। 32, 28 कितनी भी घटते क्रम में लिख सकते हैं, 28, 24, 20, 24, 20, 16, 12 ये अपनी क्या हो गया, AR हो गया। अब इसी आधार पे हम क्या ज्ञात करेंगे, इसी एनालिसिस के आधार पे हम TR ज्ञात करेंगे, कुल आगम ज्ञात करेंगे, टोटल रेवेन्यू गुणा करके 32, 76, 34 इस प्रकार से 56 सॉरी का नाम 28 दुनी 56 34 72। तो TR को AR से क्वांटिटी से गुणा कर देंगे, इस प्रकार से हम TR ज्ञात कर लेंगे। पर्चकानी 72। अब आ जाएगी अपनी MR किस प्रकार से एनालिसिस करेंगे, MR कुल आगम में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि, यहाँ पर 32, यहाँ पर 32 के बाद में अंतर हुआ 24, 16, 8, 0 माइनस का। तो हम एक डायग्राम के द्वारा हम देखें अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य उत्पादन निर्धारण में ये वाई ओ एक्स हो गया, वाई ओ एक्स यहाँ पर उत्पादन, यहाँ पर आगम AR और MR। तो इस प्रकार से हम इसकी चर्चा करें तो कर सकते हैं आसानी से। 1 2 3 4 5 6 ये आ गया AR MR, 4 4 8 4 12 16 20 24 28 32। एक क्वांटिटी में 32, दूसरे में 28, ये गिरता होगा 24 20, तो ये अपना AR तो इस प्रकार से बन जाएगा 12 क्वांटिटी, ये AR हो गया और MR गिरता हुआ होगा, ये अपना मार्जिनल रेवेन्यू। AR MR का कर्व इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर हम बात करें एनालिसिस की, तो AR और MR वक्र जहाँ पर ये काट देता है यहाँ पर इक्विलिब्रियम की स्थिति पाई जाएगी, यहाँ पर ही हम लाभ का निर्धारण या फिर यहाँ पर ही इक्विलिब्रियम की स्थिति उत्पन्न कर पाएंगे। तो इस प्रकार से अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार में, जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता में मैंने आपको बताया, पूर्ण प्रतियोगिता में भी एकाधिकारात्मक में बाजार AR MR मिलती होती है, AR रेखा MR रेखा से अधिक मात्रा में या अधिक गिरती हुई होती है। तो इस प्रकार से हम एकाधिकार के अंदर भी MR वक्रों के बीच में हमने किया, तो एकाधिकार भी पूर्ण प्रतियोगिता में के अंतर्गत औसत आगम वक्र दाएं का ढालू होता है, तो इस प्रकार उद्योग का मांग वक्र होता है। सीमांत आगम वक्र नीचे स्तर के रूप में इस प्रकार डायग्राम के रूप में दिखाया गया है, ये नीचे और क्रमगत होता है। तब इसके हम संबंध की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था, संबंध AP बराबर AR डिवाइड बाई AR माइनस MR, MR बराबर AR EP लेस देन 1 डिवाइड बाई 1। एक सिचुएशन तो ये बन गई, दूसरी AR बराबर EP लेस देन 1, ये थर्ड स्थिति हो गई, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो इस प्रकार से आगम व औसत आगम वक्रों का इस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसी क्रम में कि लागतों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि औसत आगम और सीमांत आगम के अलावा कि अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें कौन कौन सी हैं, अल्पकालीन लागतों का आगम से क्या संबंध है। तो इसमें संबंध यही है जो
एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू, यहाँ पर जो कोस्टें काटती हैं, यहाँ पर हम फर्म में या मार्केट में निर्धारण करते हैं कि एआर पे जब लागतों का निर्धारण होता है कि न्यूनतम, जिसमें न्यूनतम लागतों का क्रियान्वयन, उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू।